हेलो माय डियर स्टूडेंट सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आया हुआ है भारत सरकार की तरफ से साथियों आज मैं आप लोगों को बता दूं कि तो अच्छी खबर क्या है दोस्तों सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर ये निकल कर आया हुआ है कि फ्री सिलाई मशीन योजना दोस्तों फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत 2020 का ऑनलाइन आवेदन फार्म भरिए और फ्री सिलाई मशीन आप लोग पाइए दोस्तों आप, लोगो तह तो आप लोगों को बता दूं कि फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत आप लोगों को फ्री सिलाई मशीन मिलेगा लेकिन आपके घर में अगर महिला है तभी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं नहीं तो अन्यथा नहीं भर सकते मतलब आपके घर में महिला है तो आवेदन करने के लिए दो का आवेदन फार्म भरिए और फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत फ्री सिलाई मशीन पाइए तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को चलिए पूरा बताता हूँ कैसे आप लोग फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत आप लोग फ्री सिलाई मशीन पा सकते हैं साथ ही आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा चलिए इस वीडियो में पूरा बताता हूँ कैसे भरना है इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिएगा पूरा आप लोगों को पता भी चलेगा और फ्री सिलाई मशीन आप लोगों को मिलेगा भी कैसे पाएंगे आप इस वीडियो में पूरा पता चलेगा तो दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यूज है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा लाल कलर का उसके बाद उस पर क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों हमारे देश के महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी तरफ देख सकते हैं अच्छी फ्री सिलाई मशीन योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं की सरकार द्वारा मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी दोस्तों मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी ये सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी दोस्तों अपडेट जारी हुई है इस योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है गरीब और श्रमिक महिलाओं के रोजगार प्रदान करने के लिए दोस्तों इसका मेन उद्देश्य है जितने भी गरीब महिलाएँ हैं सभी लोगों के लिए रोज़गार प्रदान करने के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जा रही है ठीक है जो भी महिलाएँ इस योजना के तहत पात्र हैं वे सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन फार्म भी भर सकते हैं सभी लोगों के लिए तो चलिए दोस्तों आप भी इसके लिए आवेदन फार्म भर सकते हैं सभी लोग अगर आप आसानी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में बताता हूं दोस्तों प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत आप लोग चाहे शहर से हो चाहे ग्रामीण से हो दोनों से आप आसानी से भर सकते हैं मतलब आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो आप आसानी से इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं आसानी से आप लोग मतलब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो साथ ही चलिए आप लोगों को बताता तो हूँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा दिन बताऊँगा लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं मतलब तो आप लोगों के लिए मतलब ऐसे बहुत से कम राज्य में फैले मतलब कम राज्य में शुरुआत की गई है अन्यथा और भी राज्य में शुरुआत कर दी जाएगी लेकिन आप लोगों को राज्य का नाम बता देता हूँ किस किस राज्य में शुरुआत की गई है इस योजना के तहत कमेंट बॉक्स में बाद में मत पूछेगा कि आपने बताया नहीं दोस्तों आप लोगों को बता देता देख ले देख सकते हैं इस योजना का कुछ राज्यों का नाम बता रहा हूँ आप लोगों को जिस राज्य में फैला शुरू मतलब कर दिया गया है इस योजना का शुरुआत दोस्तों पहला तो हरियाणा दूसरा गुजरात तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश पाँचवा कर्नाटक राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार ये सब राज्य में इतने राज्य में आप लोगों के लिए मतलब ये सेवा उपलब्ध हुई है सभी लोगों के लिए फ्री स्लाई मशीन योजना के तहत मतलब आप लोगों को फ्री सिलाई मशीन मिलेगा लेकिन इससे अगर इतने राज्य में आप लोग अगर हैं अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं अगर गुजरात से करते हैं महाराष्ट्र से करते हैं उत्तर प्रदेश से करते हैं कर्नाटक से करते हैं राजस्थान से करते हैं मध्य प्रदेश से करते हैं या छत्तर या छत्तीसगढ़ या बिहार से करते हैं तो दोस्तों आप लोग आसानी से इसके लिए लाभ उठा सकते हैं आवेदन फार्म भर सकते हैं अन्यथा अगर आप किसी अलग स्टेट से विलेंग करते हैं तो अभी उस स्टेट में ये लागू नहीं हुआ है जैसे ही होगा लागू वैसे हमारे चैनल पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी इसलिए तो मैं कहता रहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट जारी होगा सबसे पहले हमारे वीडियो हमारे चैनल के जरिए आपको वीडियो प्रोवाइड मिलता रहेगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताता कैसे आप लोगों को करना है सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑफिशियल साइट है इस ऑफिशियल ऑफिशियल साइट साइट को देख सकते हैं भारत सरकार की तरफ से दिया हुआ है इस पे आप लोगों को एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा चलिए फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है डाउनलोड करके आप लोगों को फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को मतलब भरना होगा ठीक है भरने के बाद आप लोगों को देख सकते हैं ये आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है मतलब ये आप लोगों को इस वेबसाइट से एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के बाद और फॉर्म को ले जाकर अपने ब्लॉग पर जमा करना होगा चलिए दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है कैसे भरना है इस वीडियो में पूरा बताता हूँ लगे रहिएगा इस वीडियो के साथ दोस्तों वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा आपके मतलब आपके रिलेशन रिलेशनशिप में दोस्त यार जो भी आस पोस पड़ोसी जो भी हैं सभी लोगों को इस योजना के बारे में बताइएगा कि उनको भी इस योजना के तहत उनको भी फायदा हो ठीक है दोस्तों चलिए अब आप लोगों को बताता हैं कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा उसके लिए डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है तो साथियों देश की महिलाएं निशुल्क मशीन सिलाई मशीन मतलब निशुल्क मतलब आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा निशुल्क सिलाई मशीन प्राप्त करके घर बैठे आप लोग लोगों के कपड़े और मतलब जैसे लोगों के कपड़े सी सकते हैं लोगों की मतलब अच्छी आर्जित कमाई कर सकती हैं घर बैठे मतलब महिलाएं ठीक है इनके लिए सरकार इसीलिए ये सिलाई मशीन उपलब्ध करा रही है कि चाहे वो शहरी से हो चाहे ग्रामीण से हो वो आसानी से घर बैठे मतलब आसानी से किसी का भी कपड़ा अपने घर का कपड़ा सिलाई मशीन करके सिलाई सिलाई करके कुछ पैसे कमा सकती हैं चलिए अब आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं सबसे पहली बात कि इस फ्री सिलाई मशीन योजना की पात्रता क्या होगी मतलब आप लोगों को बताऊंगा कुछ इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए इससे ज़्यादा नहीं 40 से ज़्यादा नहीं 20 से कम नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा बीस से ऊपर होनी चाहिए चालीस के बीच में ठीक है इस मुफ्त सिलाई मशीन दो हज़ार बीस के तहत कामकाजी महिलाओं की पति की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए मतलब आपके जो पति हैं उनकी जो कमाई है उनकी मतलब इनकम जो है उनका बारह हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब मान के चले अगर ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें भारत सरकार की तरफ़ से अपडेट दिया गया बारह हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो चलिए अब आप लोगों को बता देता हूँ कि देश की केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं प्रधानमंत्री मुफ्त सिलाई मशीन योजना के तहत 2020 के तहत पात्र हैं मतलब जो कमजोर महिलाएं हैं जो मतलब मजबूर है गरीब महिलाएं हैं उनके लिए ये सिलाई मशीन योजना निकाली गई है देश के विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं लेकिन उनके लिए उनका प्रमाण पत्र चाहिए मतलब आप विकलांग हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र चाहिए महिलाएँ और अगर विधवा हैं तो विधवा प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों इन सभी के लिए आप लोगों को कैसे क्या करना होगा चलिए आप लोगों को पूरा इस वीडियो में बताता हूँ देख सकते हैं यदि कोई महिला विधवा है तो उसका निष्ठा निराश्रित प्रमाण पत्र चाहिए मतलब उनका प्रमाण पत्र चाहिए यदि विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र चाहिए तभी आप लोगों के लिए भी इसका लाभ उठा सकते हैं ठीक है थीके? अगर इन दोनों में से आप कोई नहीं है तो आपके पास क्या चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए सामुदायिक प्रमाण पत्र चाहिए आय प्रमाण पत्र चाहिए आयु आयु प्रमाण पत्र चाहिए आय प्रमाण पत्र चाहिए पहचान पत्र चाहिए मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि सामुदायिक प्रमाण पत्र क्या होता है सामुदायिक प्रमाण पत्र एक जाति प्रमाण पत्र होता है जिससे हम लोग मतलब ये होता है कि हम इस स्टेट से हम इस जगह से हैं ठीक है तो दोस्तों आप लोग के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के रूप में होता है ठीक है अब आपके मन में सवाल नहीं उठ रहा होगा मैं जानता हूं आपको पता चल गया ठीक है अब आप लोगों को बताता हूँ ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करिए सर वेरी नाइस वीडियो दोस्तों वेरी नाइस वीडियो या यूजफुल वीडियो कुछ भी कह के कमेंट कर दीजिए बढ़िया सा और आपके लिए अगला नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे चलिए अब आप लोगों को बताता हूँ ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ऑनलाइन आवेदन कैसे मतलब आप लोगों को ये ऑफलाइन

फार्म सेक्शन सॉरी दोस्तों फार्म सेक्शन लिखा होगा फार्म सेक्शन पर क्लिक कर दीजिएगा उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उस ऑप्शन पर उसके बाद आप लोगों के सामने एक और पेज खुलेगा वहाँ से आपको अप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्री सप्लाई ऑफ सिविंग मैचिंग लिखा होगा ठीक है ये देख लीजिए कुछ इस तरह का लिखा होगा अप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्री सप्लाई ऑफ मैच सिविंग मैचिंग मतलब इस पर आप लोगों को क्लिक करना है ठीक है इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वहाँ से सिलाई मशीन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा ठीक है डाउनलोड होना मतलब स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का फॉर्म डाउनलोड होगा जिसमें आप लोगों को सब कुछ भरना होगा आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम पता मोबाइल नंबर आधार नंबर भर दीजिएगा भरने के बाद इसके बाद आवश्यक दास्ते जो मैंने बताया ऊपर आप लोगों को अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा नहीं है अगर विधवा है तो विधवा सर्टिफिकेट ले लीजिएगा नहीं है दोनों में से तो ऊपर जो नीचे आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा लेने के बाद इस फॉर्म को भरने के बाद उसके बाद सब सारा कुछ संबंधित कार्यालय या ब्लॉक में जाकर अपने जमा कर दीजिएगा ब्लॉक में किसको जमा करना है जो भी अधिकारी जिस अगर जैसे आप अंदर ब्लॉक में जाते हैं कोई भी अधिकारी से संपर्क करिएगा उसके बाद उससे पूछिएगा पूछने के बाद ये पूछताछ करिएगा कि सर फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत हमें आपको ये डॉक्यूमेंट और ये आ, मतलब फ़ॉर्म जमा करना है तो हमें सिलाई मशीन प्राप्त करवाना है कैसे हम कर सकते हैं कहाँ ये फॉर्म जमा कर सकते हैं दोस्तों वो बताएंगे उसके बाद आप लोगों को तो इसके बाद आपके फॉर्म को कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा सत्यापन करने के बाद आपको मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान दी जाएगी मतलब आपको की जाएगी ठीक है उनको वो संपर्क कर लेंगे आप लोगों से संपर्क करने का मतलब आपका फ़ोन नंबर उस पर फॉर्म में लिखा होगा लिख दीजिएगा ठीक है उससे संपर्क आप लोगों को कर लेंगे उसके बाद आपका अपना एड्रेस पूरा पता दीजिएगा तो वो भी वैसे भी संपर्क कर लेंगे तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके यदि इसके यदि आपको अभी भी प्रधानमंत्री सिलाई मशन योजना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपका कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं आसानी से ठीक है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर रिप्लाई दीजिएगा हमारी टीम ये जानना चाहती है कि आपके लिए वीडियो कैसा लगा ठीक है तो हर व्यक्ति इस वीडियो के लिए बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो को अपने रिलेशन दोस्त यार अपने जितने भी आसपास पड़ोसी कोई भी आपके भारत हर एक नागरिक के पास शेयर करिएगा इस वीडियो को कि अन्यथा उन लोगों को भी जानकारी हो और उनको भी इस योजना का लाभ मिले तो धन्यवाद दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल पर न्यूज दर्शा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द धन्यवाद दोस्तों